यस सर। ठीक है, थैंक यू। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से ई पाठशाला के अंदर। और आज का, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक है ट्रिगर एंड फॉलो थ्रो, और हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर समरेश जंग सर, जो कि गोल्डन फिंगर के नाम से जाने जाते हैं। 5 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल्स इन ए सिंगल कॉम्पिटिशन, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, और जो कि CISF के अंदर डिप्टी कमांडेंट के पद पे कार्यरत हैं। और आज के दिन, आज के समय की अगर बात करें तो सबसे ओल्ड और एक्सपीरियंस शूटर हैं हमारे शूटिंग जगत के, और पिस्टल के बहुत ही एक्सपर्ट हैं। आज के दिन हाई परफॉर्मेंस कोच हैं इंडियन टीम के। तो आज आप लोगों को बताया जाएगा ब्रीदिंग एंड ट्रिगर के बारे में, एंड फॉलो थ्रो के बारे में, जो कि बहुत ही अहम पार्ट है पिस्टल शूटिंग के। तो आप सभी लोग इस चीज के अंदर ध्यान से सुने, और इन जो आखिरी के 2 पॉइंट बचे हुए थे इन पे गौर करें। और दूसरी चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें बहुत से लोग जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत से लोगों तक ये चीज नहीं पहुंच पा रही है। तो जितना हो सके, ये जो आईडी है जूम की, हमारी जो भेजी जाती है एक मीटिंग की, जूम जो जिस पे आप लोग अभी ऑनलाइन हैं, कुछ लोग फेसबुक लाइव पे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे हैं, तो जितना हो सके इन सभी चीजों को आप दूसरे शूटर्स के साथ में शेयर कीजिए, कि ज्यादा से ज्यादा शूटर्स को इस प्रोग्राम का, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रयास से ये चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शूटर्स को आप लोग जो है शेयर करें, ताकि ज्यादा शूटर्स को बेनिफिट मिल सके। और बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग सीख रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि SAI and NRI का ये जो प्रयास है ये सफल हो रहा है। थैंक यू वेरी मच समरेश सर, वेलकम, आपका स्वागत है, और अभी क्लास आपके एंडोर करता हूँ, प्लीज लीजिए। धन्यवाद ओम प्रकाश, और धन्यवाद सारे शूटर्स और जो भी इसको देख रहे हैं। हम हमारे पिस्टल की सीरीज चल रही है, थोड़ी पिस्टल ट्रेनिंग की। तो हम नेक्स्ट सीरीज में जो हमने अभी तक किया है, स्टांस, ग्रिप, होल्ड एंड ब्रीदिंग, एंड अभी आज हम उसके अंदर करेंगे ट्रिगर एंड फॉलो थ्रू। जो दो हम मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। जी सर, ये बेसिकली हमारा जो है ट्रिगर कंट्रोल एंड साथ में फॉलो थ्रू। जो आप देख रहे हैं, ये एक ट्रिगर कंट्रोल है कि हमने सारा होल्डिंग अच्छा कर लिया, हमारा स्टांस अच्छा हो गया, हमारी ग्रिप अच्छी हो गई, हमारी होल्डिंग अच्छी हो गई। एंड ये एक चीज है जो एक्चुअली आपका शॉट रिलीज होना है पिस्टल से, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जैसे ये ग्राफ दिखा रहा है कि ट्रिगर रिलीज ओवर टाइम जो होता है, एक कंटिन्यूस स्मूथ मोशन होना चाहिए। जैसे ये आर्क दिख रहा है आपको, इसमें कहीं स्टेप्स नहीं है। जितना आपका स्मूथ होगा उतना आपका शॉट एग्जीक्यूशन अच्छा होगा। उसमें आपकी अगर होल्डिंग भी थोड़ी सी डिफर कर रही है, तो फिर भी आपका विद इन आपकी जो एबिलिटी है होल्ड की, उसके अंदर ही शॉट लगेगा। बट ट्रिगर जो होता है, सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि साइड्स मिलाते हैं, होल्ड अच्छा करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गोली चलाने से पहले हम ट्रिगर को स्नैच कर देते हैं, या ट्रिगर रुक जाता है। जनरली क्या करते हैं, हम खींच के लेके आते हैं, जो शूटर हैं, नए शूटर खींच के लेके आते हैं और फिर रोक लेते हैं, एंड फिर उसके बाद आगे उसको जैसे आपका एमिंग एरिया में है और उसको स्नैच कर। जो मतलब हमने जितने मेहनत की है उसको होल्ड करने में, रोकने में, लास्ट माउंट पे अगर हम उसे स्नैच कर देंगे तो हमारा ट्रिगर स्मूथ नहीं होगा और हमारे शॉट इधर उधर छिटक जाएंगे। तो ये एक जनरल आइडिया है कि ट्रिगर का जो वेट है वो ओवर पीरियड ऑफ 6, 7, 8 सेकेंड जो भी टाइम है स्मूथ होना चाहिए। जितना टाइम कम होगा उतना आपको फास्ट होना पड़ेगा, लेकिन फास्ट का मतलब ये नहीं कि झटका, फास्ट का मतलब फास्ट स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस। जैसे ये कंटिन्यूअस स्मूथ चल रहा है। सो ये एक जनरल है कि ऐसा सा होना चाहिए। एंड प्लस आप एक देख रहे हैं कि शॉर्ट रिलीज का एक पॉइंट है, एंड उसके बावजूद, उसके बाद भी शॉट रिलीज में आपका शॉट चल गया, उसके बावजूद उसके आखिर में भी आपको कंटिन्यू करना है। फॉलो थ्रू के अंदर भी उतना ही ट्रिगर पे प्रेशर बना के रखना है, बिकॉज ये एक पार्ट है। अगर आप जैसे बेसिकली आपने पहला डायग्राम जो नंबर 1 देख रहे हैं,
उसमें आपको दिखा रहा है कि ट्रिगर फिंगर का मोशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे आपका ये वी बनता है हाथ का, ट्रिगर फिंगर है, इसमें स्ट्रेट आना चाहिए, जितना स्ट्रेट आएगा उतना अच्छा है। जैसे बोला जाता है कि अगेन कि शूटिंग में कुछ गलत नहीं है, अगर आप पर एक चीज आसान होती है और एक चीज मुश्किल होती है। अगर आपको लगता है कि आप ट्रिगर को स्नैच कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम उसमें यह होता है कि आप जरूर करिए उसको स्नैच, पर प्रॉब्लम उसमें यह रहता है कि स्नैच करने का हर टाइम आपका ट्रिगर अलग, प्रेशर अलग होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन होता है, स्ट्रेट एंड स्मूथ कंटिन्यूस। तो अगर जितना आप कंटिन्यूस करेंगे और जितना स्मूथ और जितना स्ट्रेट करेंगे, उतना कम टाइम लगेगा आपको उसको मास्टर करने में। आप जितना उसमें वेरिएशन लाते जाएंगे, आपको हर एक वेरिएशन को मास्टर करना पड़ेगा, और हर एक वेरिएशन को मास्टर करने में उतना ही टाइम बढ़ जाएगा। कुछ शूटर, कुछ थे शूटर्स, मतलब अच्छे शूटर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले शूटर, उनसे बात हुई थी तो वो लोग बोल रहे थे, एक थे कि कहते कि वो प्रसिजन में, सेंटर फायर के प्रसिजन में, वो क्या है, उनका कमेंट था कि मैं अपने ट्रिगर को आई बम्प माई ट्रिगर, बम्प मतलब आया डम, बट आप ये भी कर सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज वो कंटिन्यूस रहे, सेम रहे, प्रेशर आपका बराबर रहे कंटिन्यूस, आप उसको स्लो भी कर सकते हैं, उसको फास्ट भी कर सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका ट्रिगर कंटिन्यूस रहे, जो भी मोशन है कंटिन्यूस, ऐसे ऐसे करके नहीं, स्टेप्स में नहीं, कंटिन्यूस। तो उसके लिए बेसिकली जैसे आपको सबसे पहले कि उंगली सीधी आनी चाहिए, थ्रू द डायरेक्शन उसका होना चाहिए थ्रू द वी ऑफ योर हैंड। सो क्योंकि पिस्टल हम पकड़ते हैं वी के अंदर, सो वो स्ट्रेट रहेगा, तो उसका ट्रैवल पिस्टल अलोंग द लाइन ऑफ द पिस्टल, पिस्टल की लाइन के बैरल के हिसाब से सीधा सीधा रहेगा थ्रू द वी ऑफ हैंड। उसको अचीव करने के लिए जो आप डायग्राम नंबर 2 देख रहे हैं, उसमें आपका जो ट्रिगर फिंगर है, जो प्लेसमेंट ऑन द ट्रिगर जो है, वो 90 डिग्रीज रहना चाहिए, आइडियली 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्रीज ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर, तो 90 डिग्रीज रहेगा तो सीधा आएगा। अगर आपने उसको साइड से रखा, साइड से दबाएंगे तो ऐसे दबेगा, पूरा ट्रिगर के ऊपर ज्यादा ले गए तो दबाना शुरू करेंगे तो की? अगर अगर आप उसको सीधा रखेंगे 90 डिग्रीज, ये आपका जो फिंगर है 90 डिग्रीज पर रखेंगे, तो आपके लिए आसान होगा ट्रिगर को खींचना। एक होगा कि आप ऐसे साइड से खींचेंगे, तो साइड से खींचेंगे तो ऐसे खींचेगा आपका, ज्यादा ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे खींचेगा, तो इसलिए आइडियली आप उसको 90 डिग्रीज पे रखें, 90 डिग्री से स्ट्रेट खींचे। प्लस ट्रिगरिंग में जैसे पहले ही बोला था मैंने, आपका सिर्फ आपको सबकॉन्शियसली, ट्रेनिंग में तो बोलना भी पड़ेगा आपको, लेकिन सबकॉन्शियसली भी आपको ये करना पड़ेगा कि आप ट्रिगर को, और जब आप ट्रिगर खींच रहे हैं तो आपकी सिर्फ ये उंगली मूव कर रही है, आपको मतलब ये बाकी सारा लॉक्ड है, एंड ओनली दिस फिंगर इज मूविंग, एंड दिस फिंगर में भी जॉइंट इस जॉइंट से मूव करेगा। तो अब ये जो है, अब ये डायग्राम देख रहे हैं 1 एंड 2, इसमें डज नॉट, ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जॉइंट के बिल्कुल बीच में रख रहे हैं, जैसे लोगों कई बार बोला जाता है कि बिल्कुल बीच में रखिए पैड, मैं पर्सनली कभी बीच में से रख के चला नहीं पाया, इवन फ्री पिस्टल जिसका ट्रिगर वेट का कोई मतलब बहुत हल्का हो सकता है, तो वो मैं कभी चला नहीं पाया उसको, करके मेरे से नहीं चला हूँ, तो हमेशा मैं इस जॉइंट से चलाता हूँ, सारी पिस्टल इस जॉइंट से चलाई, फ्री, एयर, सेंटर, स्टैंडर्ड, सब कुछ इसी जॉइंट से चला। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं भी रखें, उसका मूवमेंट हमेशा सीधा होना चाहिए। अगर आप टिप पे रखते हैं, बीच में रखते हैं, पैड के बीच में रखते हैं आइडियली, तो तब भी सीधा होना चाहिए, और अगर आप इसको इस जॉइंट पे भी रखते हैं तब भी सीधा होना चाहिए। इसका मतलब इस, ये आपका सीधा आएगा। दूसरा एक प्रॉब्लम ये रहता है, लोग क्या करते हैं कि हम बहुत ध्यान रखते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ फिंगर जो ट्रिगर है कहाँ पे आएगा, जैसे कभी बोलते हैं इस पैड पे आएगा, कभी इधर आएगा, तो हम बहुत कंसिस्टेंसी करते हैं कि सिर्फ इधर ही रखें, इधर ही रखें, लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे ये ट्रिगर है, फॉर एग्जांपल ये मेरी उंगली है ट्रिगर, हम बार बार बोलेंगे कि यहाँ रखें, लेकिन हम एक चीज की गलती कर देते हैं कि कभी यहाँ से खींचते हैं, कभी यहाँ से खींचते हैं, कभी यहाँ से खींचते हैं, कभी ऊपर, तो हमारा प्लेसमेंट यही नहीं कि सिर्फ
फिंगर पे कहाँ होना चाहिए, लेकिन फिंगर ट्रिगर पे कहाँ होती है वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करते रहेंगे आपकी फील और आपकी कंसिस्टेंसी चेंज होती रहेगी। तो इसलिए हमेशा ये दोनों चीजें कॉन्स्टेंट रखें, जहां पे भी रखें हमेशा ट्रिगर को वहीं पे, अगर आप यहां से खींचते हैं तो हर बार यहां से खींचिए और हर बारी उसी जगह से खींचिए, यहां से खींचते हैं तो इस जगह से खींचते हैं तो इधर से खींचिए, इस जगह से खींचते हैं तो इस जगह से, इस जगह से नहीं खींच सकते क्योंकि फिर आपका मूवमेंट ऐसे शुरू हो जाएगा विच इज जो आपके पिस्टल को एक तरफ को धकेलना शुरू करेगा। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। प्लस जो डायग्राम नंबर वन है वो जनरली जो हैवी ट्रिगर्स होते हैं 1 kg, पहले तो 1360 ग्राम होता था सेंटर फायर का, जितना आप टिप से खींचना शुरू करेंगे उतनी मतलब उतना ताकत लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए आप कहीं पे भी उसको रखें, मतलब जो नंबर वन है वो बेसिकली हैवी ट्रिगर्स के लिए होता है कि आप उसको अच्छे से लगा सकें, और नंबर टू जो है वो आपका बेसिकली फ्री पिस्टल एंड एयर पिस्टल में इस्तेमाल होता है, पर कॉन्सेप्ट वही है, आप चाहे पहले वाला इस्तेमाल करें चाहे दूसरे वाला इस्तेमाल करें, ट्रिगर सीधा खींचना है और कंटिन्यूस खींचना है, उसमें रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका ट्रिगर रुक गया देन आपको कैंसिल करके फिर से स्टार्ट करना, ये नहीं कि एक बार रुक गया या स्टेप्स में लेके आ गए। कुछ लोग ये भी करते हैं कि आपने उठाया फर्स्ट पुल ले लिया, मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता कि फर्स्ट पुल ले लिया जाए एंड फिर एमिंग एरिया में आने के बाद खींचा जाए, लेकिन इवेंचुअली उसमें भी जब आप सेकेंड पुल पे जाते हैं जब आपको एक्चुअल शॉट रिलीज करना है तो वो सेकेंड पुल भी स्मूथ होना चाहिए चाहे आपने फर्स्ट पुल ले लिया। मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि जब मैं उठाता था पिस्टल और फर्स्ट पुल ले लेता हूँ तो उसके बाद मुझे स्टार्ट करने में सेकेंड पुल स्टार्ट करने में मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं जब उठाऊँ और एक ही कंटिन्यूस मोशन में खींचता हूँ, रोकू ना कहीं, अगर रुक जाता है तो मैं उसको कैंसिल करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट था। अब ये जो मूवमेंट मैंने आपको बताया कि जो आपका फर्स्ट डायग्राम जो है दैट इज वो आपको दिखा रहा है कि आपका मूवमेंट कैसा है, किस जॉइंट से होना चाहिए। जो सेकेंड जॉइंट है फिंगर का, ट्रिगर फिंगर का सेकेंड जॉइंट जो नंबर वन लिखा हुआ है, मूवमेंट वहां से होना चाहिए। अगर आपका मूवमेंट वहां से होगा तो ये आपका मूवमेंट जो वी के थ्रू है स्ट्रेट होगा। अगर ये मूवमेंट नहीं हो रहा आपका एंड आपका मूवमेंट यहाँ की जगह पीछे से, जो नंबर टू लिखा है जो आपका सेकंड डायग्राम में दिखा रहा है उसमें आप देखेंगे कि आपका ट्रिगर का फोर्स साइडवेज लग रहा है तो साइडवेज जाएगा आपका, ऐसे करके नंबर वन में ऐसे चलेगा ट्रिगर फिंगर और नंबर टू में ऐसे चलेगा अगर आपका सेकंड से हो। सो आपको हमेशा बहुत इसे मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ लोगों के लिए आसान होता है कुछ लोगों के लिए आसान नहीं होता, बट देन ऐसे ही है, कुछ लोगों को कई चीजें आसानी से आ जाते हैं, कुछ लोगों को कई चीजें टाइम लगता है। सो आपको ये सीखना पड़ेगा और ये सीखने का एक ही तरीका है कि आपको बहुत बार इस पे एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, इस चीज का एग्जीक्यूशन ध्यान देके, बिना पिस्तौल के भी, जब आप पिस्तौल बिना ले पिस्तौल के आप इसको कोशिश कीजिए इसको सीधा चलाने की, एंड ध्यान दीजिए कि ना आपका अंगूठा हिल रहा है इसके मूवमेंट ना कोई और, बाकी सारे फिक्स्ड है मसल्स, सिर्फ हाथ में और कोई मूवमेंट नहीं। कई बार ऐसा मूवमेंट होता है लोग ट्राई करते हैं तो कुछ लोगों का ये होना चाहिए ट्राई करिए, कुछ लोगों का ये तो रुक जाता है लेकिन ये चलता है। तो कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट आपकी होगी तो सिर्फ ट्रिगर फिंगर और ये वाले जॉइंट से, जो वन एंड टू जो सेकेंड जॉइंट है ऊपर से, उस मूवमेंट से आपका ट्रिगर चलेगा। नाउ ये जो आपको जो दिखाया है ट्रिगर का रिलीज का दिखाया है, एंड बेसिकली 25 मीटर्स में, तो आजकल सबका 25 मीटर्स का 25 1 kg का ट्रिगर हो गया मिनिमम। हाँ, अगेन वन मोर थिंग, हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिगर वेट जो है रूल्स में जो लिखा है, जैसे एयर पिस्टल का 500 ग्राम है, बाकी 25 मीटर्स का सब 1000 ग्राम्स है, ये है मिनिमम। हम ट्राई करते हैं कि 501 ग्राम पे ट्राई करें या 501 kg 10 ग्राम। उसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम ट्रैवल करते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है एंड ये मैकेनिकल चीजें हैं तो ये चेंज हो सकती हैं, प्लस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बार बार करेंगे तो पार्ट्स घिसते भी हैं, तो घिसने से भी आपका ट्रिगर फेल, मतलब ट्रिगर का वेट कम हो सकता है।
अब मैंने कितने ही एग्जाम्पल देखे कंपटीशन में कि मैच उन्होंने स्टार्ट किया था प्रॉपर चेक करके ट्रिगर वेट पास हुआ, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब चेक हुआ तो ट्रिगर फेल हो गया। अब नॉइस कंडीशन में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एंड मैं ये प्रज्यूम करूंगा कि उन्होंने छेड़ा नहीं ट्रिगर को, लेकिन ये बेसिकली आपकी वाइब्रेशन हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, चल रहे हैं एयर पिस्टल्स में, तो उस वाइब्रेशन में ट्रिगर आपका जो है स्क्रूज थोड़े से हिल गए एंड आपका ट्रिगर वेट, आपका एक्चुअली ट्रिगर वेट कम हो गया, फेल हो गया उसमें। सो इसलिए जब आप 500 ग्राम खींच सकते हैं, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप इजिली 550 ग्राम भी खींच सकते हैं, मेरे हिसाब से 600 ग्राम भी खींच सकते हैं। पर एंड वही जहां आप 1 kg ट्रिगर खींच सकते हैं वहां 1 kg 100 ग्राम और खींच सकते हैं, 1100 ग्राम खींचने में ज्यादा दर्द नहीं होगा, ज्यादा जोर नहीं लगेगा। सो ऑलवेज भी थोड़ा सा सेफ, थोड़ा सा ट्रिगर वेट हैवी रखिए कि एंड रेगुलरली साल में एक बार आपने चेक किया तो जब कंपटीशन आ रहा होता उससे बीच में पहले कोई मेजर कंपटीशन आ रहा तो उससे पहले ड्यूरिंग ट्रेनिंग, नॉट मैच से इमीडिएट पहले, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो कम हो गया आप हल्के ट्रिगर के साथ ट्रेनिंग करते रहे एंड मैच से पहले आपको पता चला कि भाई इसका तो ट्रिगर ही कम था तो आपको बढ़ाना पड़े, तो आपकी सारी फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो कंपटीशन से पहले ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप चेक करते रहिए उसको बीच बीच में। मैं क्योंकि ज्यादा लगता था तो मैं ऑलमोस्ट हर 3-4 महीने में एक बार चेक करता, इवन फ्री पिस्टल, फ्री पिस्टल में भी ये है कि बहुत लाइट है ट्रिगर, बट ट्रिगर लाइट मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है। सो उसमें क्या होता है कि लोग बहुत हल्का करते हैं, लेकिन ट्रिगर वेट फ्री पिस्टल में उतना होना चाहिए जितना आपको कॉन्फिडेंस है। मीनिंग अगर आपने पिस्टल उठाया और आपको डर लग रहा है ट्रिगर को टच करते हुए कि गलती से चला ना जाए तो उस मतलब कि शॉट रिलीज ना हो जाए, तो उसका मतलब है वो ट्रिगर बहुत हल्का है एंड आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस ट्रिगर को चलाने। सो इसलिए आपको डरते डरते हाथ लगाना पड़ेगा, आप डरेंगे उसमें कि टच करूं नहीं करूं, तो इसलिए इतना ट्रिगर वेट रखिए कि आप उसको कंफर्टेबली हाथ लगा सकें। कई कंट्रीज के अंदर फ्री पिस्टल का मैच शुरू कराते हैं किसी को तो शुरू कराते हैं 500 ग्राम ट्रिगर से। एक आध शूटर, जूनियर शूटर था जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बना था, उस वो 1 kg से फायर करता था, 1 kg ट्रिगर से। एंड कई कंट्रीज में जैसे बेसिकली 500 से स्टार्ट करते हैं एंड जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता, जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ता जाता उसको कम करते हैं। सो मेरा एडवाइस ये रहेगा कोई भी अगर फ्री पिस्टल स्टार्ट कर रहा है तो बिल्कुल 10-20 ग्राम से ना, मैं पर्सनली 150 से 200 ग्राम के बीच में चलाता था और यही कंटिन्यूस चलाया है। मेरे को जितना कॉन्फिडेंस लगता था तो मैं आराम से उंगली रख के उसको खींच के आराम से इनिंग ले रहा मैं। सुनो, जो आप फर्स्ट देख रहे हैं ट्रिगर रिलीज नंबर 1 सिंगल स्टेज, ये होता है बेसिकली सिंगल स्टेज ट्रिगर्स के लिए। इसमें भी आप देख रहे हैं 1 kg है एक साइड पे, दूसरा आपके पास 7 सेकेंड है। सो आप कंटिन्यूस खींच रहे हैं, जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है, वैसा नहीं है जैसे आपने इनिशियली देखा था, पर वो भी कंटिन्यूस है एंड वो सिंगल स्टेज है। मतलब इसमें जैसे फर्स्ट पुल है सेकंड पुल नहीं, सिर्फ एक ही पुल है और कंटिन्यूस चलता जाएगा। ये जनरली फ्री पिस्टल्स में इस्तेमाल करते हैं बट ये 1 kg का दे रखा है तो अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फ्लो यही रहेगा थोड़ा सा, लेकिन उसके अंदर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा ट्रिगर वेट कितना आप लगा रहे हैं, दैट आपको अपने आप से हिसाब करना पड़ेगा कि कितना कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं, कितना चला रहे। जो नंबर 2 है ये आपका सेकेंड स्टेज है जिसमें 2 स्टेज ट्रिगर्स आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी आप देखिए, पहला आप जल्दी ले रहे हैं पास एंड देन कंटिन्यूस खींच रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, आप कंटिन्यूस उसको खींचते जा रहे हैं, मूवमेंट कम है, लोड इंक्रीज करते जा रहे और जैसे आप एमिंग एरिया में सेटल हो रहे हैं वैसे आपका लोड बढ़ता जा रहा है ट्रिगर के ऊपर एंड एमिंग एरिया में आया एंड आपका होल्ड है एमिंग एरिया, टाइम आपका आया सही है साइड सही एंड यू कीप ऑन एंड आपका शॉट चलेगा। सो ये 2 तरीके हैं जनरल कॉन्सेप्ट, इसमें आप वेरिएशन निकाल सकते हैं, हर एक का आदमी का अपना वेरिएशन हो सकता है, पर ये जनरल आपका थोड़ा सा है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं सिंगल स्टेज ट्रिगर एंड 2 स्टेज ट्रिगर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं वो स्लो फायर में प्रेसिजन का था जो आपने पहला कराया प्रेसिजन का, ये एक है आपका जो ड्यूलिंग में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे With your raising of your arm, आपका ट्रिगर कहाँ से चलेगा, ट्रिगर कितनी लाइन पर खींचेगा और क्या मोशन रहेगा उसका। तो आप देख सकते हैं कि लिफ्टिंग नीचे आपको टाइम दे रखा है,
कि लिफ्टिंग जो है आपकी तकरीबन एक सेकंड में आपका हाथ आ जाता है, एंड उसमें भी आपको काफी हाथ आके एक सेकंड में आपका टारगेट पे पहुंच जाते हैं अगर आप टाइम से हैं नॉर्मल मोशन में भी। तो उसके बाद आपका जो नीचे वाला ग्राफ है वो आप अपने एमिंग एरिया में होल्ड करें, आपका आर्म आके रुक गया उस जगह पे, रुक गया ना। उसके अंदर जो उससे ऊपर वाला जिसमें आप वेव्स देख रहे हैं, दैट इज जब आप उठा रहे हैं तो इसमें आप अपनी साइड्स को रफ अलाइन करना शुरू करते हैं, रफली मतलब नॉट कैसे है बट रफली अलाइनमेंट शुरू होती है, एंड देन जैसे ही आप टारगेट के ऊपर आते हैं वहां पे आपकी अलाइनमेंट स्मूथ हो जाती है, बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स होती हैं, एंड बेसिकली दीज जो एडजस्टमेंट है ये कॉन्शियसली नहीं हो रही, ये सब कॉन्शियसली हो रही है सारी की सारी एडजस्टमेंट ना आपकी आंख जो देखती है उसको। एंड जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ है वो आपका ट्रिगर वेट का है, आप कैसे ट्रिगर वेट लेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे खींचेंगे, एंड आप उसको कैसे खत्म करेंगे, एंड यू टेक इट टू 1 kg पे आपका फायर हो जाएगा। एंड ये सब आइडिया जैसे दे रखा है इसमें, नीचे टाइम देख रहा है 2.6 सेकंड्स तक दे रखा है, तो 2.6, 2.7, 2.8 प्रेफरेबली 2.7, 2.8 तक चला जाना चाहिए, लेकिन 2.6 तक जा रहा है एंड विद माइनर वेरिएशन आप 2.6 के आसपास फायर कर रहे हैं, तो आपके पास है कि कभी आप थोड़ा सा हल्का सा कुछ और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है तो आपके पास 0.2 सेकंड्स और हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका ये कि हाथ आया एंड ट्रिगरिंग साथ में शुरू एंड कंटिन्यूस चलती रहेगी जैसे ट्रिगर वेट है, एंड वही जाके आप एमिंग एरिया में आए, आप एमिंग एरिया में होल्ड कर रहे हैं, आया अलग अलग वेरिएशन है, कुछ लोग आते हैं कुछ कुछ लोग बहुत फास्ट उठाते हैं, स्पेशली ये मैंने देखा है इसमें अपने एशियंस में चाइनीज इवन सम रशियंस कोरियंस बहुत फास्ट है जो लिफ्टिंग है, स्पोर्ट्स में की बात करूँ बहुत फास्ट मतलब खड़े हैं पड़ा बहुत फास्ट उठाया एंड देन दे आर ऑन द एमिंग एरिया एंड बाकी सारा एडजस्ट करें। बाकी जनरली जो बाकी यूरोप में इस्तेमाल करते थे दैट वाज मोर कि आपने उठाया एंड कंटिन्यूस उठाया कंटिन्यू और ये कंटिन्यूस में बट उसमें भी ट्रिगर चल रहा है आपका, ट्रिगर चल रहा है एंड साइड की अलाइनमेंट होती जा रही साथ में, एंड आप एमिंग एरिया में आए आए एंड हम गोली चल गोली चली उसके अंदर। तो बेसिकली वही है आपको ट्रिगर जो है कंटिन्यूस स्मूथ, अगर आप बहुत फास्ट भी आ गए तो आपको फिर भी आके उसको स्मूथ खत्म करना, ये नहीं कि आप आ गए डुम, और अगर आप रुके रहेंगे ट्रिगर को रोक लेंगे तो फिर आपको ये होगा कि अरे टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है, दिमाग टाइम पे जाएगा एंड देन खत्म करने के लिए आप स्नैच करो। तो जो आपने पूरा बेस बनाया है वो सारा का सारा आपने उसको खींच दिया उसके अंदर, मतलब आपने आखिरी में खत्म कर दिया उसको। तो सारी जो मेहनत है वो आपके कुछ सेकंड्स जो कुछ माइक्रो सेकंड्स में है लास्ट में आपने स्नैच किया वो खत्म हो जाएगा आपका। अब ये जो है आप देख रहे हैं ये है रैपिड फायर के लिए एंड रैपिड फायर स्पेशली 4 सेकंड सीरीज, कॉन्सेप्ट वही है बट टाइम आपका कम हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको ट्रिगर भी उसी के हिसाब से फास्ट थोड़ा सा दबाना पड़ेगा एंड लिफ्टिंग भी उसी के अंदर। तो दिस इज लाइक 1.2 सेकंड्स से ज्यादा 1.4 1.5 बोलते हैं 1.5 का जो है टाइम इतना है कि आप जनरली बोलते हैं, एंड आप जितना आप उसको डिले हो जाएगा उतना ही फिर आपको स्नैच होगा उतना ही आपका अगले शॉट में उसका प्रॉब्लम होगा। सो बेसिकली ये आपके जो कॉन्सेप्ट ये है इट्स अ जनरल आइडिया आप कैसे इस्तेमाल करते हैं कैसे चलते हैं उसको कैसे आपका ट्रिगर चलेगा, अगेन कॉन्सेप्ट वही है बट आपका टाइम कम हो जाएगा जैसे आपका ड्यूलिंग है वैसे ही कॉन्सेप्ट वही चलेगा लेकिन आपका टाइम थोड़ा कम हो जाएगा इस चीज का। और ये जो अभी आप ये जो आप देख रहे हैं ये हैं कुछ वेरिएशंस रैपिड फायर में कि रैपिड फायर की लिफ्टिंग के लिए कैसे, यू कैन इवन से कि जो फर्स्ट और नंबर वन वाला है ये आप उसको ड्यूलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें जब आप देख रहे हैं आप रेडी पोजीशन पे आए आपका एक आपका हाथ यहाँ पे है आप ये जो आपकी नजर है
आगे कहीं पे है, आप टारगेट पे नहीं देख रहे, सब समय टारगेट से नीचे आगे घास में देख रहे हैं, साइट्स आपने अलाइन की, साइट्स ये हिल नहीं रहा। एंड द मोमेंट आप लेके आएंगे, आप स्टार्ट करते हैं एंड ये मूवमेंट के साथ आंखें आपकी नीचे जाएंगी, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये आया, मैं नीचे साइड्स मिलाई नीचे, एंड नाउ मैं नीचे नहीं देख रहा, मैं समवेयर आगे आगे देख रहा हूँ घास वास में सब नीचे। एंड जैसे ही लिफ्टिंग होगा आपकी पेरिफेरल विजन से आपको पता चल जाएगा कि लाइट हो गई, ग्रीन हो गई, रेड हो गई, आपको पता चल जाएगा। एंड देन आप उठाते हैं, जैसे ही आप उठाते हैं तो आंखें वहां से नीचे आएंगी एंड उठाते ही आपका साइट्स मिलनी शुरू हो जाएगी एक फास्ट मोशन के साथ। आप जैसे दरवाजे ऑटोमेटिक डोर क्लोज होते हैं ना एकदम से झटका के बाद, फिर एकदम से स्मूथ होता है, तो वैसे ही करके एंड देन यू ग्लाइड इनटू द एमिंग एरिया में ग्लाइड करेंगे। नाउ जैसे ही आपका ये ग्लाइड होता है आपका ट्रिगर भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। कुछ लोग जल्दी करते हैं, मैं पर्सनली जैसे ही उठाता हूँ मूवमेंट उसको खींचना शुरू कर देता, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा मुझसे एक बार ट्रिगर खींच के रोक लिया तो मेरे लिए खींचना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं कंटिन्यूस एक मोशन मेरा जो है नंबर वन की तरह है, लेकिन नंबर वन में भी जैसे मैं जैसे ही मेरा लिफ्टिंग स्टार्ट होता है वहीं से ट्रिगर शुरू हो जाता है, तो मैं वहीं से खींचता जाता हूँ उसको और ट्रिगर पे जोर लगता जाता है, और जैसे ही एमिंग एरिया में आया रुका एंड वो चलता रहेगा दम। अब ना उसी तरह का दूसरा है, कुछ आदमी जो है वो आपको डायरेक्टली जहाँ पे आंखें नीचे नहीं लाएंगे वहीं पे कहीं पे देख रहे हैं टारगेट के नीचे, जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, एंड हाथ जैसे लिफ्ट करेगा हाथ जैसे ही उस एरिया में आएगा और फिर उसको देखना शुरू करेगा और वहां से खींचना शुरू करेंगे। तो बेसिकली आप जितनी लेट खींचना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपको खींचना पड़ेगा, उतना ही फास्ट पर अगेन स्मूथ। फास्ट का मतलब स्नैच नहीं, झटका नहीं मारना उसको, स्मूथ कंटिन्यूस। तो जैसे अगर मैं 3 सेकंड में 1000 ग्राम खींचता हूँ, तो अगर आप कर रहे हो तो आपका, क्योंकि आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपको 2 सेकंड में 1000 ग्राम खींचना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर आपका जो है फास्टर, जो ज्यादा टिकअप करना पड़ेगा छोटे टाइम में। अब नाउ नंबर 3 पे है जो ऑलमोस्ट टारगेट के अंदर देख रहे हैं, मतलब फोकस जो है फोकस नहीं है टारगेट पे लेकिन टारगेट के बेस पे आ गया बिल्कुल, एंड वहीं पे लिफ्टिंग किया और वहीं से उठाया। सो और जैसे ही वो टारगेट के अंदर घुसे दबाना शुरू कर दिया, एंड वही है वेरिएशन नंबर 4 उसी का, बट नाउ आप डायरेक्टली टारगेट में देख रहे हैं, देख नहीं रहे, अगेन मैंने गलत बोला, देख नहीं रहे हैं बट योर आई लेवल जो है वो टारगेट के साथ है, जो आपका एमिंग एरिया है जहां पे आपका पिस्टल आना है वहां पे रुको। सो उठाएंगे एंड जो फोर्थ वाला को इस्तेमाल कर रहे हैं वो टारगेट में आने से पहले ही, मतलब बिफोर वो साइड्स देखना शुरू करें या हाथ को रोकना शुरू करें, तभी अपना ट्रिगर खींचना शुरू कर देते हैं एंड एमिंग एरिया में आया एंड ट्रिगर खींचे, आपका ट्रिगर चलना है स्मूथली, ट्रिगर चलाना है। तो नाउ ये सारी वेरिएशंस हैं, इसमें आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अच्छा लगे। मेरा है जो सबसे मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो बेसिक है जैसे नंबर वन है उस पे स्टार्ट कीजिए एंड जैसे जैसे आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाए, जैसे जैसे आपका कंट्रोल बढ़ता जाए अपने ऊपर, अपने शूटिंग स्टांस के ऊपर, पोजिशन के ऊपर, अबिलिटीज जैसे आपकी बढ़ती जाए वैसे वैसे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड कुछ गलत नहीं है, ये नहीं गलत, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने हमेशा यही किया कि फर्स्ट पोल से उठा के, मतलब जैसे ही उठाता हूँ तभी खींचता रहता हूँ एंड एक कंटिन्यूस करता रहता हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि हम ऐसा कर सकते हैं या हम पहले फर्स्ट पोल को ले लें, तो मेरा यही एडवाइस, मैं ये सोचता था कि बाकी सारे जो टॉप शूटर्स हैं वो उसी तरह से करते हैं। तो मैंने कोच से बात किया, किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, फिर मैंने कोच से जाके पूछा कि क्या हमें फर्स्ट पुल लेना चाहिए, तो फर्स्ट पुल लेके एंड आप रेडी पोजीशन पे फर्स्ट पुल ले लो, तो कोच ने मुझे बोला हाँ बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो मेरे लिए वो सरप्राइज था कि भाई अच्छा ऐसे भी करते लोग, लेकिन मैं उस चीज़ को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरे लिए वही चीज़ चली क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया था कि आप जैसे ही आप आए रेडी पोजिशन में, जैसे ही टारगेट आया आपका हाथ चला उठना शुरू हुआ और वो साथ साथ में ट्रिगर वेट, आपने ट्रिगर खींचना शुरू किया
and aiming here omega and hold and squeeze. Now जो हमारा ड्यूलिंग का और रैपिड फायर का जो रैपिड फायर सीरीज होती है ड्यूलिंग की स्पोर्ट पिस्टल की एंड रैपिड फायर में हमारा टारगेट पूरा काला है तो उसमें क्या होता है कि एंड जो प्रेसिजन है उसमें एक काला है और एक बुल जो है काला है बाकी सारा वाइट है तो बहुत क्लियर डिमार्केशन है ब्लैक एंड वाइट. सो उसमें क्या होता है कि हम एंड प्रेसिजन है प्लस आपका 10 का रिंग छोटा है सो हमें बहुत क्लियर डिमार्केशन चाहिए कि हम कहाँ पे शूट कर रहे हैं कैसे शूट कर रहे हैं होल्ड हमारा कितना अच्छा. सो जनरली वो डिमार्केशन ब्लैक एंड वाइट की अच्छी है तो हमें 6 o'clock होल्ड करते हैं उसके अंदर क्योंकि हम 6 o'clock क्लियरली कर सकते हैं उसके अपने कि हमें प्रेसिजन करना है. नाउ अब हम जैसे ही ड्यूलिंग में आते हैं हमारा वो ब्लैक एंड वाइट का डिमार्केशन खत्म हो गया एक पूरा ब्लैक कार्ड आ गया आपके पास. तो अभी क्या उसमें क्या होता है एंड ब्लैक में सिर्फ 2 लाइनें मार्क कर रखी हैं रिंग्स भी होता है पेपर टारगेट का लेकिन उसमें 2 लाइनें हैं जो मार्क करती हैं कि ये सेंटर है टारगेट. तो उसमें जनरली कुछ लोग जो है जैसे मैंने शुरू में किया था 6 o'clock होल्ड किया था लेकिन इवेंचुअली मैं भी सेंटर होल्ड पे आ गया कि आप उसमें सेंटर में आके फायर करें. सेंटर में फायर इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अगर किसी ने बोला एक प्लेन पेपर दे दे और आपको बोले कि भाई इसका आप मुझे सेंटर बताइए तो आप बड़ी आसानी से विदाउट माइंड देके आप सीधा पॉइंट कर सकते हो कि हाँ ये है सेंटर इसका. सो जैसे कोई टारगेट है किसी ने बोला कि मैं उठाता हूँ एंड फॉर एग्जांपल जैसे ये टारगेट है अगर कोई भी मेरे को बोले टारगेट को पॉइंट करो फॉर एग्जांपल जैसे ये है ब्लैक पूरा इसको मैंने तो मैं आराम से पॉइंट कर सकता हूँ कि यहाँ पे समवेयर हेयर मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा जितनी बारी भी करूँगा कि समवेयर हेयर आएगा. बट अगर मैं बोलूँ कि भाई आप मुझको इस टारगेट का 6 o'clock 6 इंच 6 o'clock नीचे दे तो आपको सोचना पड़ेगा और उसको मिलाने में ना टाइम लगेगा थोड़ा सा और जितना आपको टाइम लगेगा उतना आप कॉन्फिडेंट नहीं होगा ट्रिगर के ऊपर एंड उतना आपका ट्रिगर स्लो होगा. सो इसलिए हम जनरली सेंटर एम लेते हैं जिससे आप कॉन्फिडेंटली आए बीच में एंड स्क्वीज करते हैं क्योंकि बेसिकली जो हमें दिखता है उस पर डिपेंड करता है कि हम ट्रिगर को कितना दबा रहे हैं कैसे दबा रहे हैं. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो इसलिए आप उसी में आपका ट्रिगर रुक जाएगा. सो बेसिकली ये है आपका ड्यूलिंग का प्रेसिजन में भी ऐसे ही है. एक है आपका जैसे 25 स्टैंडर्ड पिस्टल. स्टैंडर्ड पिस्टल में आपके पास 150 सेकेंड्स का पहली सीरीज है. 150 सेकेंड्स आप बड़े आराम से रोक रोक के घड़ी भी होती है सब कुछ होता है आप उसको बड़े आराम से प्रेसिजन में रोक रोक के चला सकते हैं डिपेंडिंग आपकी स्पीड क्या है. कई लोग 5 तो चलानी है 6-7 गोली भी चला सकते हैं. मैं चलिए 6 चला लेता हूँ 6 अगर एक ड्राई कर लेता हूँ और बेसिकली कुछ और भी ज़्यादा कर सकते हैं. तो उसमें आप आराम से चलाइए ट्रिगर खींचिए एंड रोक के रख लीजिए स्कोप में देख लीजिए सेकेंड. अब जैसे ही आप 20 सेकेंड्स में आते हैं सो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि टाइम अब 20 सेकेंड्स जो है टाइम हमारा जैसे कम हो गया अब ना हमें गोली चलानी. पर एक चीज दिमाग में होना चाहिए ट्रिगर चलाना जो है आपका 20 सेकेंड्स का फर्स्ट शॉट जो होगा वो वैसे ड्यूलिंग की तरह लेकिन आप मोर प्रेसिजन प्रिसाइजली आप उसको कर सकते हैं. आप आइए अलाइन कीजिए 3 सेकेंड नहीं तो 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड में आप चला सकते हैं बड़ी आराम से. लेकिन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही प्रेसिजन करके नहीं थोड़ा सा और रुको उसमें ट्रिगर नहीं ट्रिगर रुक आए आप ट्रिगर चलाया नीचे उसको 6 o'clock एम किया एंड स्क्वीज द ट्रिगर स्क्वीज जैसे कर रहे हो कर दीजिए. अब क्या है कि उसके बाद आपका जो रिकॉयल आया आपको रिकॉयल को फॉलो उसको कीजिए एंड ट्रिगर जो है हम क्या करते हैं बेसिकली जो स्पेशली नए शूटर्स हैं उठाया ठप फायर हुआ यहाँ पे रिकॉयल आया एंड वापस एंड फिर यहाँ छोड़ा एंड फिर लेना शुरू किया. यहाँ छोड़ के लेना नहीं शुरू करना आपको जैसे ही आपने फायर हुआ आप उसको छोड़िए साथ में जाने दीजिए और वापस आते आते खींचना शुरू कर दीजिए. सो इट शुड बी मोर लाइक आपने चलाया जैसे कि खींचा एंड इसी ट्रिगर के साथ वापस. सो
ट्रिगर दबाने का जो रिदम है जो है वो एग्जैक्टली आपका 150 सेकंड्स की तरह है, बट 150 सेकंड्स में आपके पास एडवांटेज आप रख सकते हो पिस्टल को, आप हाथ गोली चला के नीचे रख सकते हो, 20 सेकंड्स में आप गोली चला के नीचे नहीं रख सकते, आपने गोली चलाया एंड दूसरा। सो नाउ इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे उसको कंट्रोल करने में मास्टर, लेकिन जब आपने चलाया ऊपर जाएगा एंड यहीं से वापस खींचते हुए लेके आएंगे, खींचते हुए लेके आएंगे, एमिंग गियर में सर्कल करेंगे, खींचते जाएंगे आराम से, नहीं तो आपका ऐसा होगा कि आपने लाए ठक गया यहाँ पे एंड देन ठक ये स्नैचिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए स्मूथ के लिए आप लेके गए, फायर ऊपर गया, ट्रिगर को छोड़ना है एंड ट्रिगर को ऊपर से दबाते हुए लेके आना है। एंड इसको अगर ट्रिगर पे अगर ये कंट्रोल रखना है आपको तो साइड्स पे कंट्रोल रहना पड़ेगा, साइड्स कैसे जा रही है, साइड्स को फॉलो करते रहना एंड ये मोशन जो अगेन 10 सेकंड्स में भी यही है बट और थोड़ा सा फास्ट आपकी फर्स्ट शॉट चलेगा एंड देन बेसिकली ये जो ट्रिगर है ये ट्रिगर फिंगर आपका ऐसे ऐसे ये कंटिन्यूस रहना चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए इसमें। चलिए, सो नाउ ये मैं समझा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कुछ, मैं आपको समझा पाया हूँ इसमें। नाउ हम करते हैं फॉलो थ्रू की तरफ चलते हैं। फॉलो थ्रू जो है जैसे इट्स अ मतलब इट्स अ एंड ऑफ अ शॉट, फॉलो थ्रू मतलब हमारा शॉट गोली चलने पे नहीं खत्म होता, हमारा शॉट गोली चलने के बाद खत्म होता है। फॉलो थ्रू एक शॉट का अंत है एंड अगले शॉट की तैयारी, अगले शॉट की बिगिनिंग है उसकी तैयारी। तो जैसे आप देख रहे हैं एक बीच में ग्राफ में एक होल्ड का होल्ड कर रहे हैं आप एम के ऊपर, शॉट ब्रेक हुआ एंड वो होल्ड कंटिन्यू चलता रहा। फॉलो थ्रू क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है उसमें हमें दिखना और रिएक्ट करने में थोड़ा सा डिले है, इट्स बहुत माइन्यूट है पर है डिले। सो आपको दिखता जल्दी है एंड बाय द टाइम आप रिएक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले आता है, तो उसमें गैप फर्क आ जाता है। तो इसीलिए जब भी हम बोलते हैं कि आप साइड देखिए, ट्रिगर को स्क्वीज करते रहिए, स्नैच करेंगे, जैसे आप कई बार होता दिख गया लेकिन हम सो यू स्क्वीज एंड उसका डिले जो है उसको कवर अप करता है, तो आपका मूवमेंट स्मूथ रहता है। तो अगर आप एमिंग एरिया में थोड़े से इधर लेफ्ट राइट अप डाउन भी हो तो गोली ठीक ही जगह पे रहेगी। सो एक उस चीज को प्लस दूसरा हमारा एक होता है लॉक टाइम बोलते हैं, वो होता है कि जब आपने ट्रिगर स्क्वीज किया, आपकी आंखों ने बोला कि मैंने गोली चला दी, जब तक वो फिंगर कमांड फिंगर तक पहुंचा तब तक थोड़ा सा डिले हुआ एंड प्लस जब ट्रिगर खींचा, जब ट्रिगर खींच गया, हैमर चला, गोली आगे जगी या एयर में वाल्व से हवा रिलीज हुई, गोली के पीछे गया और गोली बैरल से बाहर हुई, इसको लॉक टाइम बोलते हैं। सो सारी कंपनीज कोशिश करती है कि मिनिमम लॉक टाइम हो, लेकिन हमेशा लॉक टाइम होता है वो रिलीज होना जो आपका शॉट बैरल से रिलीज हो गया। सो नाउ आपने आपके दिमाग ने बोला कि मैंने गोली चला ली और मैंने ट्रिगर खींच दिया, एक तो ये हुआ डिले आपका ट्रिगर खींचने में एंड प्लस खींचने के बाद गोली चल गई, तो मसल रिएक्ट कर जाएगी जब तक आपकी बंदूक गोली जो है आपकी बंदूक से क्लियर नहीं हुई। सो क्या हुआ, आपने सारा होल्ड किया, सब कुछ किया, सबको ब्रीदिंग किया, होल्डिंग किया, ट्रिगरिंग किया, स्क्वीजिंग किया, सब कुछ किया एंड गोली चलाते ही आपने उसको मसल्स को रिलैक्स कर दिया, तो आपका जो सारा कॉम्बिनेशन है गोली के बाहर निकलने से पहले पहले चेंज हो गया, तो आपका एम चेंज हो गया, तो आपको शॉर्ट रिजल्ट ठीक नहीं मिलेगा। नाउ जैसे फॉलो थ्रू है, नाम ही बोलता है फॉलो थ्रू, आपका क्या है कि जो आप एक्शन कर रहे हैं उसको थ्रू, उसको पूरे को फॉलो अप करना है, उसी को फॉलो करके ले जाना है एंड तक, यू फॉलो इट थ्रू योर शॉट, सो आपका शॉट खत्म होने तक, शॉट आपने एग्जीक्यूट किया सब खत्म हुआ आगे तक चलता जाएगा एंड उसके बाद क्या होगा कि इसमें आपको आप कई बार इसमें आप अपने शॉट को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने क्या किया था, कैसा था, एग्जीक्यूशन कहाँ था,
एग्जीक्यूशन अच्छा था कि नहीं था। अगर आप फॉलो थ्रू नहीं करेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे कि शॉट अच्छा था और क्यों अच्छा था, अगर था तो, और अगर अच्छा नहीं था तो क्या गड़बड़ी, आपकी मसल कुछ हिल गए, क्या हुआ, कहाँ पे पहुंचे। सो आपने कई बार देखा होगा कि आप गोली चला रहे हैं, हिल रहा है पूरी जगह पे, हिल रहा है लेकिन जैसे ही गोली चली शॉट अच्छा लग गया, 10 लग गया। सो नाउ वो क्यों लगा, वो 10 इसलिए अच्छा लगा, 10 इसलिए लगा उसमें क्योंकि आपका जो लास्ट जो 1/10 ऑफ अ सेकेंड था, जो सारा कॉम्बिनेशन उस टाइम सब कुछ सही था, आपका सारा हिल रहा है, पिस्टल हिल रहा है, लेकिन जैसे ये आया, जब गोली चली, जब गोली निकली, तब सब कुछ सही था। सो वैसा ही कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड को सही रखना है। तो आप सब कुछ होल्डिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड ये वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड है जब आपका गोली चलनी है, गोली आपने खींची, गोली चली और वो गोली बंदूक से बाहर निकल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, और उसमें ये आपका फॉलो थ्रू आता है। सो फॉलो थ्रू को आप पहले वाला शॉट को खत्म हुआ एंड नाउ फॉलो थ्रू में आप उसको एनालाइज करेंगे एंड एनालिसिस से आपको पता चलेगा क्या है, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा। नाउ उससे आपकी नेक्स्ट शॉट की प्रेपरेशन शुरू। सो आई थिंक आपको थोड़ा पता चला होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉलो थ्रू की। अब जैसे आपका शॉट दिखा रहा हूं इसके अंदर, ये आपका एक ऑप्टिमम टाइम है, एक जगह पे आपकी एफिशिएंसी जो वाई एक्सिस है उसमें एफिशिएंसी दिखा रहा है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, एंड नीचे टाइम है, एंड इसमें आप जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं बीच में से वो ट्रिगर पुल है, कंटिन्यूसली ट्रिगर खींच रहे हैं। तो दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन आपका शॉट में जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो शॉट इंक्रीज होगा एंड देन आफ्टर सम टाइम वो आपका डिक्रीज होगा शॉट कॉन्सेंट्रेशन। आपकी एबिलिटी जो होल्ड की है वो हमेशा ऊपर से वो डिक्रीज ही होती आएगी। अगर आपने होल्ड किया, इनिशियली आपको होल्ड अच्छा होगा एंड देन विद टाइम आपका रिलीज होता डिक्रीज हो जाएगा। एंड सेम थिंग आपका ब्रेथ, आपने होल्ड किया ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा लेकिन विद टाइम वो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। सो जो आप देख रहे हैं, जो ऑप्टिमम टाइम देख रहे हैं वो आपको जैसे दिखाया 5 से 8 सेकेंड के बीच में। सो इट्स नॉट द ऑप्टिमम टाइम, ये नहीं कि जहाँ पे क्रॉसेस हो रहे हैं सारे के साथ, ऑप्टिमम टाइम ये है जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन का लेवल भी हाई है, ब्रीदिंग भी एक्सेप्टेबल है एंड होल्ड की एबिलिटी भी अच्छी है एंड प्लस ट्रिगर वेट आपने लिया। सो उस दौरान में कहीं पे शॉट होगा तो दैट इज अ डिसेंट शॉट। डिसेंट शॉट का मतलब ये है कि 100% गारंटी कभी नहीं है कि 10 होगा। आप जब भी गोली चलाएंगे दे वुड बी ऑलमोस्ट लाइक 99.99% होगा कि आपने बहुत अच्छा गोल चलाया, 10 मिलेगा, बट देयर स्टिल अ 0.01% चांस कि वो 10 ना हो। इट डजंट मीन कि आपका शॉट खराब था, इट जस्ट मीन्स कि आपका जो कॉम्बिनेशन था वो उस टाइम ठीक नहीं। सो ये कॉम्बिनेशन जब तक आपका रहेगा और आप जितना इसको कम करते जाएंगे उतना आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होता जाएगा, उतना आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है। अब ये देखिए, ये एक शॉट का सीक्वेंस है, इसमें आप देख रहे हैं मतलब इट्स बेसिकली 45 सेकंड्स का आसपास रखा है विद सब कुछ। तो नॉर्मली जैसे एयर पिस्टल चला रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास आजकल 1 घंटा 15 मिनट है 7 शॉट चलाने के लिए। सो यू आर एक मिनट 25 सेकंड के आसपास होता है शायद, जैसे ही करके आता है। सो नाउ आपके पास जैसे या एक मिनट 12-15 सेकंड होते हैं। तो जैसे आपने है कि आप नीचे देख रहे हैं ग्राफ में, नीचे देख रहे हैं जो आपने फॉलो थ्रू से आया, ये फॉलो थ्रू फर्स्ट शॉट का, तो फर्स्ट शॉट आपने फॉलो थ्रू करके रखा एंड आपके ऊपर जो ग्राफ है वो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग कर रहे हैं आप उसमें, एंड फॉलो थ्रू के बाद आपने पिस्टल रखा नीचे, आप शॉट को एनालाइज करेंगे क्या था, ठीक था, सब कुछ ठीक था, साइज कैसी थी, ट्रिगरिंग इश्यूज कैसा था, एंड उसमें आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी, ब्रीदिंग लेते रहेंगे एंड देन आप उस और उसी दौरान आप अपने पिस्टल को लोड करेंगे, नेक्स्ट शॉट के लिए तैयारी करेंगे उसमें, एंड देन लोड करके आप खड़े हैं एंड नाउ आप अपनी पोजिशन को चेक कीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं कि मेरी टांग थोड़ी सी पोजिशन टेढ़ा हो गया या मैं
लिफ्ट कर रहा हूँ या मेरा शोल्डर नीचे चला गया या कुछ और है गर्दन के, तो दिस इज योर आउट ऑफ पोजिशन। आप उस आउट ऑफ पोजिशन को चेक कर रहे हैं, उस आउट ऑफ पोजिशन को चेक करते ही करने करते करते यू आर रेडी एंड नाउ देन आप उठाने वाले हैं उसको, पिस्टल उठा रहे हैं एंड उसी में आप इनर पोजिशन चेक करेंगे एंड जो आप होल्डिंग करना साथ ही में पिस्टल उठाएंगे। तो नाउ यू आर चेकिंग योर इनर पोजिशन एंड आपने उठाना शुरू किया, होल्ड करेंगे इनर पोजिशन मीनिंग कि सारी कहीं से ऐसा तो नहीं कि कोई टांग की कुछ अलग से खींच रहा हो या कोई और है या गर्दन मेरी खींच रही है या सर का डायरेक्शन कैसा है, कुछ और कुछ ऐसा तो नहीं कि मसल्स कहीं से टाइट हो रही हो कहीं से लूजर हो या मैं लीन बैक कर रहा हूँ, तो वो सब करके उठाएंगे एंड आप होल्डिंग, वो आपकी होल्डिंग शुरू हो गई एंड आपकी इनर पोजिशन भी चलती है। होल्डिंग कर जैसे आप एक सर्टेन टाइम के बाद आप एम आएंगे एंड होल्डिंग के साथ साथ फिर आपका एमिंग की तरफ ध्यान जाए, साइट्स अलाइनमेंट, टारगेट पे आप कहाँ अलाइन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं एंड वो सब करते करते ही आपको जैसे दिख रहा है ट्रिगरिंग शुरू हो जाएगी एंड इन सब में जैसे ही आपकी आपका आउट ऑफ पोजिशन देख रहे हैं फिर उठा रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग चलता रहेगा आपका एंड जैसे आप उठाएंगे एंड जैसे ही आपका एमिंग शुरू होगा, जैसे आप एमिंग एरिया में आएंगे वैसे आपका ब्रीदिंग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा एंड बेसिकली स्लो ऐसा ऐसा नहीं होगा कि ऐसे उठाया तो मतलब तब आपको पूरी ब्रेथ नहीं लेनी, कम छोटी छोटी जैसे वॉल्यूम आपकी कम होती जाएगी एंड देन जैसे आप एमिंग एयर में और ट्रिगरिंग स्टार्ट हुआ वहां से आपका सांस रुक जाएगा इन द सेंस कि आपने एक एक लेवल आता है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि आप सांस को छोड़ेंगे तो सांस छोड़ने के बाद एक लेवल आएगा जहां आपको फोर्स नहीं करना बाहर निकालने के लिए और खींचने की सांस लेने की भी एकदम से वो नहीं है कि मेरे को सांस भी नहीं, और आप इस लेवल पे आराम से 10-15-20 सेकंड तक तो बड़ी आराम से रुक सकते हैं, ना आपको सांस लेने की जरूरत पड़ेगी ना आपको छोड़ने की जरूरत एंड उसी में आपका ट्रिगर स्क्वीज चलता रहेगा एंड शॉर्ट रिलीज होगा एंड देन जैसे रिलीज हो देन स्टार्ट ब्रीदिंग एंड आपका फॉलो थ्रू जाएगा एंड नाउ फॉलो थ्रू में भी आपको वही जो आपकी मसल टेंशन है ट्रिगर में, बाकी बॉडी में जो भी आपकी मसल टेंशन है उसको वैसे ही मेंटेन करना है। फॉलो थ्रू अगर जैसे आपने चलाया एंड पिस्टल चलाया फॉलो थ्रू एंड अब यहाँ पे रुक गया एंड आप उसको जबरदस्ती लेके आ रहे हो यहाँ पे, ये फॉलो थ्रू नहीं है। फॉलो थ्रू है कि आपने चलाया बॉडी अपने आप आ रही है, अगर आपने गोली चलाई और यहीं पे जाके रुक रहा है इसका मतलब यह है कि आपने आपकी कोई मसल जो है वो आपने छोड़ दी, टेंशन मसल टेंशन जो है वो छोड़ दिया सो दैट आपकी गोली यहीं पे हाथ आपका रिकॉर्ड आया और आप यहाँ पे रुक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपकी मसल टेंशन गोली चलते समय और गोली चलने के बाद चेंज हो गया, तो बेसिकली गोली चलाई वापस अपने वापस लेके आ रहे हैं दैट इज नॉट फॉलो थ्रू एंड फॉलो थ्रू का एक टाइम भी नहीं कि आपको 1 सेकंड करना चाहिए, 4 सेकंड करना चाहिए, 5 सेकंड करना चाहिए, फॉलो थ्रू जितना आपको जरूरी लगता है। जब बिगिनर शुरू करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको कि गोली चलाओ और 3-4 सेकंड आप कंपल्सरी फॉलो थ्रू करो, जबरदस्ती फॉलो थ्रू करो, उसमें एक होल्डिंग की एबिलिटी बढ़ती है प्लस एक आदत पड़ती है फॉलो थ्रू। मैंने कितने शूटर्स देखे हैं वो बहुत लंबा लंबा फॉलो थ्रू करते हैं एंड इंटरनेशनली टॉप शूटर्स ऐसे देखे हैं जो हमें अगर नॉर्मल आप उसमें देखो तो ऐसे लगे कि ये तो फॉलो थ्रू कर ही नहीं रहे, तो कॉन्सेप्ट ही बेकार है इनके लिए, बट नहीं वो उतना फॉलो थ्रू कर रहे हैं जितना उनके लिए जरूरी है। अगेन जैसे वो बोला कि मेरे को ग्रिप कितनी टाइट पकड़नी जितना मेरे लिए जरूरी है, मेरे को होल्डिंग कितना करना जितना मेरे लिए जरूरी है। उन्होंने इस चीज को इतनी बारी किया कि उन्हें पता है कि उनके लिए क्या जरूरी है। सो आप वैसे ही आपको जैसे खड़ा होना, कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, और ये कैसे वर्कआउट करेंगे, आपको जितना जरूरी लगता है आप उतना करेंगे और उसके हिसाब से अपनी तरीके को मॉडिफाई करते जाएंगे। तो जैसे आपको देखा ट्रिगरिंग के अंदर आप ट्रिगर को लेंगे, एक आप ट्रिगर खींचेंगे एंड कंटिन्यूअसली खींचते रहेंगे, तो शॉर्ट फायर होगा, फॉलो थ्रू एंड आप आगे चलेंगे। तो बेसिकली
मेरा यही था सर। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने, और हमारे पास अभी 6 मिनट बचे हुए हैं, तो सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ले लें। नहीं नहीं कोई क्वेश्चंस हैं तो कुछ है तो बताइए। हाँ सर बिल्कुल, क्वेश्चन तो ये है सर कि ड्यूरिंग मैच अगर ट्रिगर हिल गया, लेफ्ट राइट हिलने लग गया, ट्रिगर का स्क्रू अगर अनलॉक हो गया है, तो उसको कैसे फिक्स करें और क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी जीरोइंग के ऊपर, सेटिंग के ऊपर? मतलब अगर हिल गया, मैकेनिकली हिल गया अपनी जगह से? हाँ, मैकेनिकली अगर ट्रिगर लेफ्ट राइट हिलने लग गया, उसका जो ट्रिगर को लॉक करने वाला जो स्क्रू होता है पिस्टल में। पहले तो आपको ये, अगर आपको ट्रिगर को हाथ लगाना, ट्रिगर में कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है या टाइट ही करना है, तो सबसे पहले आपको ज्यूरी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने आप से ट्रिगर को लेफ्ट राइट किया तो वो ऐसा हो जाएगा कि आप ट्रिगर के साथ फिडलिंग कर रहे हैं, जो अलाउड नहीं हो, कि वो सस्पेक्ट करते हैं कि आप ट्रिगर वेट के साथ खेल रहे हैं। तो आप सबसे पहले ज्यूरी को बोलिए, ज्यूरी को बताइए कि ये मेरी प्रॉब्लम, मेरे को इसको एडजस्ट करना है, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। अब नाउ फर्क ट्रिगर के ऊपर लेफ्ट राइट पे इतना ही फर्क पड़ेगा कि आपने उसको कैसे एडजस्ट किया है, एंड एक तरीके से अगर आपका फिट फिक्स्ड है और आप अभी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो अगर आपने आइडियली उसी जगह पे ले आया वापस जगह पे था, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए जीरो, लेकिन आगे पीछे होगा तो हो सकता है कि उसके ऊपर अगर थोड़ा सा आगे हो तो साइड से जरूर लगे, ज्यादा पीछे हो जाए तो थोड़ा सा इधर से खींचने लगे, उसका फर्क पड़ता। बहुत बढ़िया सर, एक क्वेश्चन आया है वैष्णवी का कि सर जब फायर करने के लिए एमिंग एरिया में साइट पहुंच जाती है, वहां पे डाउट में आ जाता है दिमाग की ट्रिगर दबाऊं या नहीं दबाऊं, डबल माइंडेड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करें? उस टाइम पे कैंसिल कर देना चाहिए, मेरी एडवाइस है उस टाइम पे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर डाउट हो रहा है तो इसका मतलब है आप ट्रिगर नहीं खींच रहे हैं, एंड फिर आप खींचना शुरू कर देंगे उसको, तो फिर आप स्नैच ही करेंगे उसको, तो इसलिए मेरे हिसाब से उस टाइम पे शॉट कैंसिल कर देना चाहिए एंड आपको फिर स्टार्ट करना चाहिए। बट बेसिकली आपको शॉट तो चलाना ही है, अगर आपको शॉट चलाना है तो डाउट बेसिकली आपको, जब डाउट्स आपके पहले ही खत्म हो जाने चाहिए, उठाने से पहले आप जब उठा रहे हो तो आपको रेडी होना चाहिए मेरे को शॉट चलाना है। शॉट तभी कैंसिल करना है जब कुछ एरर है उसके अंदर, या जब आपके टेक्निक सही नहीं आता, या जब आपका एमिंग एरिया गलत हो गया, हाथ आपने उठाया और हाथ किसी और तरफ चला गया। 20 मीटर में तो सिर्फ प्रसिजन में ही कर सकते हैं, बाकी तो मैं आप कर भी नहीं सकते उसको ज्यादा, आपके पास टाइम ही नहीं। बट स्लो में भी आपको कैंसिल तब करना है जब आपके प्रोसीजर निकल, प्रोसीजर इंक्लूडिंग कहाँ पे आपका एमिंग एरिया है उसमें हो, कहीं लैप्स होता है तब आप बनते। पर ये कि टेन में लगेगी कि नहीं लगेगी, ये डाउट्स नहीं होने चाहिए, ये सर आपको शॉट लोड करके उठाना तब है जब आप रेडियो शॉट चलाने। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन सर ये है कि फर्स्ट पुल में वेट ज्यादा रखना चाहिए या सेकंड में ज्यादा रखना चाहिए, वेट का जो ये डिवाइडेशन है ये कैसे रखना चाहिए, क्या बेटर है? अगेन सबका इंडिविजुअल होता है, चाइनीज शूटर थे उनका रहता, उसका फर्स्ट पुल ज्यादा रहता, टॉप शूटर थे फर्स्ट पुल ज्यादा था, सो वो टेकअप करते थे, वो इसलिए बेसिकली कि आप फर्स्ट पुल खींच लेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ शूटर्स सेकेंड पुल पे ज्यादा रखते हैं, कि आप जैसे 500 ग्राम का है तो आप कर लीजिए उसको 200 ग्राम का फर्स्ट पुल एंड 300 ग्राम का सेकेंड पुल, सो दैट आपको ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप आए एमिंग एरिया पे खड़े हैं एंड यू आर लीनिंग ऑन इट, ट्रिगर के ऊपर आप लीन करो, प्लीज करो। अगर आपको यही होगा, डर लगा रहेगा कि ये आया और पता नहीं कहाँ पे है, कहाँ पे चल जाएगा, कैसा होगा, अगर वो होगा तो प्रॉब्लम होगी उसमें, लेकिन अगर आप उसको मास्टर कर सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड। ये है कि आप स्टार्ट इससे कीजिए एंड कम डाउन एंड आप एमिंग एरिया में होल्ड कर रहे हैं एंड देन यू आर स्क्वीज 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 स्क्वीज। जो दूसरा वाला है वो बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, बट वो जनरली रोल ओवर ट्रिगर की तरह से होता है कि आपने खींचा एंड आपको पता ही नहीं कि कहाँ पे सेकंड स्क्वीज कहाँ पे आया एंड कहाँ पे चल गया। एक सर अंजलि भागवत का ये क्वेश्चन है कि ट्रिगर स्लो चलाना चाहिए कि फास्ट चलाना चाहिए? स्लो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप ट्रिगर टारगेट एरिया में कितने, एमिंग एरिया में कितनी जल्दी आ रहे हैं, एंड आप आ गए तो बहुत स्लो भी नहीं चाहिए,
अगर आप तीन चार सेकंड में गोली चला सकते हैं तो आप फास्ट ही, आपका ट्रिगरिंग फास्ट ही है, विच इज गुड. लेकिन ये भी नहीं कि स्लो स्मूथ के चक्कर में आप बहुत स्लो होते जाओ. ऑलवेज आप जो अर्ली शॉट है वो हमेशा बेटर होगा एक लेट शॉट से. तो मैं स्लो भी करेंगे तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फास्ट भी करेंगे तो कंटिन्यूअस होना चाहिए. लोगों का जनरल कॉन्सेप्ट है कि स्लो मतलब आप मतलब स्मूथ चलाने के लिए, कंटिन्यूअस चलाने के लिए स्लो ही एक चीज है. नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच. हमारा टाइम आज का ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, 1 मिनट हमारे पास में बचा है, तो थैंक यू वेरी मच सर. आपने बहुत ही बारीकियां आज बताई है, और 25 मीटर के इवेंट्स के ट्रिगर के बारे में, जितने तरह के इवेंट हैं उतने तरह के सबके ट्रिगर आपने इंडिविजुअली बताए हैं. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जनरली क्या करते हैं, एक ही पैटर्न ट्रिगर का लोगों के पास में होता है और वैसे ही ट्रिगर दबाते रहते हैं. लेकिन ये बारीकियों का बहुत लोगों को पता नहीं है कि डुअलिंग में अलग ट्रिगर होता है, स्लो में अलग होता है, रैपिड के लिए अलग है, स्पोर्ट पिस्टल का, स्टैंडर्ड पिस्टल का. तो ये एक बहुत ही अच्छा नॉलेज सबको मिला है कि इतना तरह तरह के ट्रिगर के बारे में आपने जो बताया है. थैंक यू सो मच समरेश सर, थैंक यू सो मच अगेन. आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है आज, और सभी शूटर्स के लिए सेम ये है कि नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसका मैंने उसमें डाल दिया है चैटबॉक्स के अंदर, की दीपाली देश पांडे दीदी वो आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगी राइफल के बारे में. शेड्यूल उनका उसके ऊपर भेज दिया कि कौन से दिन पोजिशन का है, ट्रिगर का है, ग्रिप का है, किट के ऊपर है, तो सारा उसके अंदर दिया हुआ है. तो नेक्स्ट सेशन हमारा जल्दी होगा, उसके ऊपर आप सभी लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें. फेसबुक पेज के जो करनी सिंह का है, जूम आईडी है, यूट्यूब चैनल है, सभी को, और मैक्सिमम जितने शूटर्स आपके टच में है सबको जोड़े. थैंक यू सर, समरेश सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद ओम प्रकाश. और एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि जैसे मैं हूँ, अगर कहीं पे भी मिलता हूँ किसी शूटर को, कुछ डाउट्स हैं कुछ है, मैं अगर रेंज पे कहीं मिलता हूँ, किसी कंपटीशन में मिलता हूँ कैसे, तो मुझसे भेज दीजिएगा, आके बात कर सकते हैं. हाँ, मैं उनको कितना टाइम दे पाऊंगा वो डिपेंड करेगा कि मैं उस टाइम कितना बिजी हूँ, किसी को प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कैसा है, तो कहीं पे भी मिलता है, रेंज पे, स्पेसिफिकली रेंज पे ही मिल पाऊंगा मैं, कंपटीशन बिल्कुल. में किसी में उनकी मदद करना चाहूंगा तो. अगर बट थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि मेरे पास उस टाइम कितना टाइम है, तो अगर अवेलेबल है और बेझिझक मुझसे आके बात कर सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. ये भी बड़े दिल की बात है कि आपने इस चीज के लिए भी खुला बोला है कि जहां भी मिलो मेरे से पूछ लो. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सभी शूटर्स को लिए भी थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, नमस्कार. आज का सेशन यहीं पे विराम देते हैं. जय हिंद.